टू माई यूट्यूब चैनल। सो गाइस फाइनली आप सभी के फिर सुम्बुल तौकीर खान का एक बार फिर से आया फैमान खान पर रिएक्शन। जैसे कि आपको हमने बताया कि सुम्बुल पहुंची है इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड में ब्लैक कलर के आउटफिट में। सुम्बुल प्रीटी लग रही है, बट वहां पे सुम्बुल का बहुत इंटरव्यू हो रहा है, मीडिया वाले सवाल पूछ रहे हैं, जहाँ पे एक सवाल ये पूछा गया कि आपकी सुम्बुल क्या आपकी फैमान से बात हुई और जो आपकी फ़ाइट हुई उस पर आप क्या रिएक्शन देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे। जहाँ पे सुम्बुल ने बोला कि मुझे नहीं लगता मुझे कोई क्लैरिफिकेशन देने की यहाँ पे ज़रूरत है, और जहाँ मुझे बोलना था मैंने वहाँ बोल दिया। सो गई सुम्बुल ने बोला है कि जहाँ मुझे बोलना था। सो गई हो सकता है सुम्बुल ने फैमान के सामने सब क्लैरिफाई कर दिया हो, क्योंकि सुम्बुल ने बोला है मुझे यहाँ पे क्लैरिफिकेशन देने की कोई भी नीड नहीं है कि फैमान से मेरी बात हुई, फाइट हमारी सोल्व हुई या नहीं, जहाँ मुझे बात करनी थी वहाँ मैंने कर लिया। अपने स्टार्टिंग में वीडियो देखा जहाँ पे सुम्बुल से सवाल पूछा गया, क्या सुम्बुल आपकी जो फाइट हुई है फैमान के उस पर आप क्या बोलना चाहेंगी, या आप दोनों की बात हो रही है फैमान से आपकी बात हो रही है या नहीं, जहाँ पे सुम्बुल ने बोला मुझे यहाँ पे क्लैरिफिकेशन नहीं देनी है। और इसके बाद सुम्बुल अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में भी बताया कि सुम्बुल का बहुत जल्दी नया प्रोजेक्ट आने वाला है, जिसको डिस्क्लोज करने के लिए यानी जिसके बारे में रिवील करने को सुम्बुल को मना किया गया है, बट सुम्बुल बहुत जल्दी ही रिवील करेंगे, क्योंकि सुम्बुल ने इतना तक बोला अगर मैं यहाँ पर रिवील कर दूँगी ना मेरी बैंड बच जाएगी, यानी कि जिनके साथ सुम्बुल का ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट होने वाला है वो सुम्बुल की कैरियर नहीं करेंगे कि आपने प्रोजेक्ट आने से पहले रिवील क्यों किया। लेकिन गाइस सबसे बड़ी बात ये उठती है कि सुम्बुल का फैमान पे रिएक्शन आया, जहाँ पे सुम्बुल ने इतना बोला कि जहाँ मुझे क्लैरिफाई करना था मैंने कर दिया। अब मुझे तो पर्सनली फीलिंग आ रही है कि सुम्बुल ने फैमान के सामने क्लैरिफाई किया है, बिकॉज सुम्बुल किसी भी मीडिया वाले के सामने इंटरव्यू में नहीं क्लैरिफाई किया, तो कहाँ बचा फैमान खान बचे, तो फैमान के सामने ही आई थिंक सो सुम्बुल ने क्लियर किया हुआ। अब देखते हैं बात बिगड़ी होगी सुम्बुल फैमान के बीच क्लैरिफाई करने से या सुधरी होगी, वो तो अब दोनों मिलेंगे तभी पता लगेगा। सो गाइस सुनने में आ रहा है फैमान खान भी इस अवार्ड में आने वाले हैं, सुम्बुल ऑलरेडी पहुंच चुकी है, थोड़ी देर में फैमान भी अगर आने वाले होंगे तो पहुंच जाएंगे, और फिर एक बार फिर से आफ्टर फाइट आफ्टर कॉन्ट्रोवर्सी सुम्बुल फैमान एक दूसरे के आमने सामने हो गए। अगर उन्होंने हंस खेल के एक दूसरे से बात की तो उस टाइम पर हम समझेंगे कि इनकी बात क्लैरिफाई करने से ठीक हो गई, अगर नहीं की बात एक दूसरे से तो हम समझेंगे कि बात बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई है। सो गाइस आप लोगों का रिएक्शन है इस चीज़ पे, सुम्बुल के इस रिएक्शन पे आपका क्या रिएक्शन है, और आप में से कौन कौन फैमान की एंट्री का वेट कर रहा है कमेंट बताइए। जैसे ही फैमान वहाँ पे एंट्री करेंगे सुम्बुल को और वीडियो आएगा हम आपको दिखा देंगे। उन सब चीज़ों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।